हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूं पूजा तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑन द टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनर ये जो एडमिशन ऑफ पार्टनर हमारा टॉपिक चल रहा है ये आज उसका चौथा लेक्चर है ठीक है इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और ये जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल टॉपिक है इसको मैं दो लेक्चर में कवर करूंगी ठीक है तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का फर्स्ट पार्ट है ठीक है तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं इस लेक्चर में हम कौन-कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन-कौन से डिफरेंट केसेस होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के केसेस में और हर केस में कौन सी जनरल एंट्री हम करते हैं और उन्हीं पे बेस्ड फिर हम एक-एक न्यूमेरिकल -एक करेंगे ठीक है तो यानी आपको पेपर और पेन लेके बैठना है मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ठीक है थेके? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो रेड कलर की बेल है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देख लिया होगा जिसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में हमने बात की थी ठीक है उसमें हमने देखा था कि गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के आज हम उसी के आगे देखेंगे कि गुडविल तो कैलकुलेट हो गया अब उसकी जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी ठीक है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं गुडविल तो हम जानते हैं हमने लास्ट लेक्चर में देखा था गुडविल क्या होता है गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म गुडविल क्या है ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन अर्न करती है कई सालों तक मेहनत से क्वालिटी सर्विस गुड गुड प्रोडक्ट बनाने के बाद अच्छे अपने लॉयल कस्टमर बनाने के बाद जो मार्केट में जो रेपुटेशन अर्न करती है उसी की जो वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड गुडविल इसी को गुडविल कहते हैं ठीक है थेके? तो गुडविल क्या है ये एक इनटेंजेबल एसेट है ऑर्गेनाइजेशन का ये एसेट है जो इंटेंजिबल है ठीक है और इस गुडविल की वजह से क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन अर्न मोर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अर्न करती है मोर प्रॉफिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट ठीक है ओवर एंड अब द नॉर्मल प्रॉफिट एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के कंपेयर में जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास ज्यादा गुडविल है वो अर्न करती है ज्यादा प्रॉफिट ठीक है अब एक बात है ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक गुडविल का ये हम किस हेड के अंदर में पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंडर में पढ़ रहे हैं ठीक है यानी जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में ऐड होता है उस केस में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ रहे हैं ठीक है तो अब मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रही हूँ ध्यान से समझिएगा सपोज करिए और बी सपोज करिए ए दो पार्टनर थे पार्टनरशिप फर्म में ठीक है इनकी पार्टनरशिप फर्म जो थी वो बहुत ही अच्छा काम कर रही थी बहुत ही मार्केट में रेपुटेशन थी उसकी गुडविल बहुत अच्छा था मार्केट में ठीक है फिर उसके बाद एक नया पार्टनर आया सी उसको अब पार्टनरशिप फर्म में एड कराना है ठीक है तो ए और बी ने अपने इतने सालों की मेहनत से जो ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया है क्या सी जो नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होगा क्या उसको आते ही सारे बेनिफिट मिल जाएंगे क्या बताइए जो सी नया पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म में जैसे ही आएगा उसको तो सारे बेनिफिट मिलेंगे इतनी जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन जिसने बहुत अच्छा मार्केट में अपना नाम बनाया हुआ है जिसको हर साल एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है बिकॉज बिकॉज ऑफ ऑफ इट्स इट्स ब्रांड वैल्यू रेपुटेशन इन द मार्केट तो सी को तो आते ही सारे बेनिफिट मिल जाएंगे सी को आते ही बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा तो इसीलिए क्या होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में जो ए और बी जो पुराने पार्टनर हैं वो सी से क्या कहेंगे कि भाई तुम्हें दो चीजें लेके आनी है देखिए कैपिटल तो लेके आना ही होता है ठीक है कैपिटल एक तो लेके आना है दूसरा क्या है तुम्हें लेके आना है प्रीमियम फॉर गुडविल ठीक है जो नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में ऐड होता है ठीक है उसको अगर वो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐड हो रहा है जिसका ऑलरेडी मार्केट में बहुत अच्छा गुडविल है तो उस केस में जो नया न्यू पार्टनर है उसको ही हैज़ ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल उसको प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आना होता है ठीक है और इस प्रीमियम ऑफ गुडविल को ओल्ड पार्टनर शेयर करते हैं इन द सेक्रीफाइजिंग रेशियो जो ओल्ड पार्टनर है ना इस एग्जाम्पल में ए और बी जो ओल्ड पार्टनर है ये फिर इस प्रीमियम फॉर गुडविल को शेयर करते हैं किस रेशियो में सेक्रीफाइजिंग रेशियो में ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्रीफाइजिंग रेशियो जनरली बच्चे इसमें थोड़ा सा गलती कर देते हैं बच्चे इसमें क्या करते हैं कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको शेयर कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट ऐसा नहीं होता है देखिए जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना वो त्याग कर रहे हैं जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एड हो रहा है ठीक है तो अभी तक जितना प्रॉफिट मिलता था ए और बी जो दो पार्टनर थे इनको जितना भी प्रॉफिट मिलता था वो क्या होगा अब कम हो जाएगा ना ठीक है एक एग्जांपल से समझते हैं सपोज करिए ए और बी को अभी तक जो है इन्होंने 50 50 परसेंट था ठीक है ए को मिलता था 50 परसेंट बी को भी मिलता था 50 परसेंट ये शेयर करते थे प्रॉफिट लेकिन अगर कोई नया पार्टनर सी इनकी फॉर्म में ऐड होगा तो क्या इनका प्रॉफिट 50 50 परसेंट रह जाएगा नहीं ये अगर अभी भी अगर हम इक्वल की बात करें तो शायद इनका थर्टी अगर इक्वल शेयर कर रहे हैं तीनों तो अब तीनों का शेयर कितना हो जाएगा थर्टी थ्री एंड हाफ थर्टी थ्री एंड हाफ थर्टी थ्री एंड हाफ ऐसे करके शेयर करना पड़ेगा इनको ठीक है तो क्या हुआ जो पुराने पार्टनर है उन्होंने सेक्रीफाइस किया है इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर नए पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस किया है ठीक है तो अब इन्होंने सेक्रीफाइस किया है त्याग किया है तो इनको क्या किया जाएगा कंपनसेट किया जाएगा ना ठीक है इसीलिए जो प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट होता है वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है इन द रेशियो ठीक है ये दिफाइज समझ में आया प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिवाइड uh, कर दिया जाता है इन द सेक्रीफाइजिंग रेशियो ताकि उन्हें कंपनसेट किया जा सके क्योंकि उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है ठीक है चलिए अब देखते हैं डिफरेंट सिचुएशंस कि कौन कौन सी सिचुएशन अगर करती है और कौन कौन सी सिचुएशन में हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल फिर हम कैसे करेंगे तो देर आर सिक्स छह है, है वो हमें डिस्कस करने हैं सबसे पहला केस क्या है मैंने कैपिटल जी लिखा है यहाँ पे कैपिटल जी मतलब गुडविल पहला केस क्या है वेन द गुडविल अमाउंट इज पेड प्राइवेटली ठीक है सेकेंड केस क्या है वेन द गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस जब गुडविल का अमाउंट कैश में लाया जाता है और वो बिजनेस में रिटेन किया जाता है ठीक है तीसरा केस क्या है गुडविल इज काइंड के फॉर्म में, मतलब में जो न्यू पार्टनर है कैश में नहीं ला सकता है वो काइंड में लेके आए ठीक है एसेट के फॉर्म में लेके आए केस फोर क्या है वेन द गुडविल इज ब्रॉटन बाई न्यू पार्टनर यानी नया पार्टनर गुडविल लेके आया है बट वो विड्रॉ कर लिया गया है ओल्ड पार्टनर ओल्ड पार्टनर ने उसको विड्रॉ कर लिया है ठीक है फुल्ली या पार्शली ठीक है केस फाइव क्या है केस फाइव है ओनली अ पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश यानी जो नया पार्टनर है वो पूरा पैसा नहीं लेके आ पाया है वो कुछ पैसा पार्शली मतलब इसको लेके आए ओनली अ पार्ट ऑफ दिस मतलब ट्वेंटी थाउजेंड गुडविल लेके आना था तो शायद थाउजेंड या फिफ्टीन थाउजेंड लेके आए ठीक है दिस इज केस फाइव केस सिक्स क्या है जब न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश पार्टनर जब अनेबल है वो नहीं ला सकता है जो भी गुडविल का अमाउंट है कैश में नहीं ला सकता है तो दैट इज केस सिक्स ये छह केसेस पढ़ने हैं ठीक है थीके? इस लेक्चर में हम फर्स्ट थ्री केसेस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट थ्री केसेस डिस्कस करेंगे ठीक है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं केस वन केस वन क्या है केस वन है कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली यानी जो न्यू इनकमिंग पार्टनर है वो गुडविल के अमाउंट को पे कर रहा है बट प्राइवेटली प्राइवेटली मतलब आउटसाइड द बिजनेस बिजनेस के बाहर ही पे कर दे रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर को ठीक है तो उसकी जो एंट्री है अगर बाहरी पे कर दे रहा है ठीक है कैपिटल का अमाउंट तो बिजनेस में डाल रहा है लेकिन जो गुडविल का अमाउंट है वो कह रहा है कि तुम लोग अंडर द टेबल वाला कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली अंडर द टेबल वो एग्जिस्टिंग पार्टनर को दे दे रहा है ठीक है तो उस केस में वो अमाउंट तो बिजनेस में आया ही नहीं ना ठीक है तो देयर विल बी नो जर्नल एंट्री कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी ठीक है नाउ कम टू केस सेकेंड के सेकंड देखते हैं के सेकंड क्या था जब गुडविल या कह लीजिए जिसको प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं दोनों बात एक ही है ठीक है गुडविल या प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेके आता है कैश में और उसको वो बिजनेस में रिटेन किया जाता है ठीक है उस पैसे को बिजनेस में रखा जाता है तो रिटेन किया जाता है तो दैट इज के सेकंड ठीक है तो देखते हैं केस सेकंड में जर्नल एंट्री क्या होगी तो सबसे पहला जो जर्नल एंट्री है वो होगी इस बात की कि जो न्यू इनकमिंग पार्टनर है वो गुडविल के अमाउंट को लेके आ रहा है कैश में तो इस चीज की एंट्री करेंगे तो कैश ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है ना तो क्या होगा इसे डेबिट करेंगे कैश को तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ठीक है सिंपल एंट्री है ये जितनी भी एंट्रीज हैं बहुत ही आसान है मतलब हर केस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम चार एंट्रीज होंगी चार एंट्री से ज्यादा किसी में भी नहीं है ठीक है और ये एंट्रीज बहुत आसान है रिपीट होंगी अभी चलिए मैं बताती हूँ कैसे आ, तो पहला केस क्या है जो इनकमिंग पार्टनर कैश में लेके आ रहा है प्रीमियम का प्रीमियम को तो फिर एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ठीक है अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है ये क्या किया जाएगा शेयर किया जाएगा ना सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स के बीच में ठीक है अभी बताया था शेयर किया जाएगा और किस रेशियो में शेयर किया जाएगा ये शेयर किया जाएगा आप बताइए किस रेशियो में शेयर किया जाता है इस ये सेक्रीफाइजिंग रेशियो में शेयर किया जाएगा ये खास बात है ध्यान रखिएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दीजिएगा ठीक है तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको फिर शेयर किया जाता है सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स के बीच में ठीक है तो एंट्री क्या हो जाती हो जाएगी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ठीक है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ये आपने सपोज करिए बीस हजार था एग्जाम्पल ले रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल बीस हजार था तो और अगर इक्वली पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा दस दस हजार दोनों पार्टनर के बीच में दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा ठीक है सिंपल है अब एक केस है छोटा सा अगर सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन में पहले से कुछ गुडविल एग्जिस्ट कर रहा था पहले से ऑर्गेनाइजेशन की जो बुक ऑफ अकाउंट है उसमें गुडविल था तो उस केस में क्या किया जाता है नए पार्टनर के एड होने से पहले वो जो भी अमाउंट है उसे राइट ऑफ कर दिया जाता है ओल्ड रेशियो में ठीक है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ कर दिया जाता है एग्जिस्टिंग गुडविल को अगर कोई गुडविल ऑलरेडी बुक में एग्जिस्ट कर रहा था तो उसे पार्टनर्स के बीच में कैसे राइट ऑफ किया जाएगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट ठीक है तो ये बेसिक तीन जर्नल एंट्री है अब चलती है चलिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है ए और बी पार्टनर्स हैं ठीक है इन द प्रॉफिट शेयरिंग और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है थ्री टू टू ए सरेंडर कर रहा है और बी भी सरेंडर कर रहा है हाफ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन फेवर ऑफ सी ठीक है सी इज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश ठीक है गुडविल ऑफ द फर्म इज एस्टिमेटेड एट फोर्टी थाउजेंड ठीक है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द गुडविल इन द अबव केस ठीक है क्वेश्चन समझ में आया ए और बी दो पार्टनर थे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था थ्री इज टू टू ए और बी सरेंडर कर रहे हैं हाफ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर जितना इनका शेयर है जितना हिस्सा है, उसका आधा हिस्सा ये सरेंडर कर रहे हैं इन फेवर ऑफ सी ठीक है और सी को गुडविल कैश में लेके आना है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी गुडविल एस्टिमेट की गई है तो दैट इज फोर्टी थाउजेंड तो आपको इस केस में यू हैव टू डू द जर्नल एंट्री रिगार्डिंग गुडविल कौन सा केस है ये है केस सेकंड तो चलिए करना शुरू करते हैं पर सबसे पहले हमने अभी डिस्कस किया था ना कि ये जो गुडविल का अमाउंट होता है ये एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में कैसे डिवाइड किया जाता है एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में सेक्रीफाइजिंग रेशियो में डिवाइड किया जाता है ना ठीक है सेक्रीफाइजिंग रेशियो में डिवाइड किया जाता है तो हमें क्या क्वेश्चन में सेक्रीफाइजिंग रेशियो दिया हुआ है नहीं दिया है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले सेक्रीफाइजिंग रेशियो ठीक है और जो देखिए ये तो जो फोर्टी थाउजेंड दिया है ये तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल है ना फोर्टी थाउजेंड ठीक है लिखा है ना गुडविल ऑफ द फर्म यानी पूरे फर्म का गुडविलेयर है ठीक तो है सी का कितना शेयर है? है ये भी हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि पूरी फर्म का गुडविल दिया है फोर्टी थाउजेंड तो उसमें सी का कितना हिस्सा है तो उसके लिए हमें सी का शेयर निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले जर्नल एंट्री करने से पहले तो हमें दो चीजें निकालनी है एक है सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या है पार्टनर्स का क्योंकि गुडविल को उसी रेशियो में डिवाइड करेंगे और दूसरी चीज है कि सी का हिस्सा कितना है सी का शेयर कितना है क्योंकि गुडविल का उतना ही हिस्सा सी जो है वो लेके आएगा ठीक है तो चलिए करना शुरू करते हैं सबसे पहले तो देखिए इसमें ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है तो जो ए और बी के बीच में जो रेशियो है दैट इज थ्रीज टू टू यानी ए का रेशियो क्या है ओल्ड रेशियो क्या है थ्री बाई फाइव बी का ओल्ड रेशियो क्या है टू बाई फाइव ठीक है तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ए का रेशियो है थ्री बाई फाइव इसमें कि हाफ सेक्रीफाइस कर रहा है यानी थ्री बाई फाइव का वन बाई टू तो कितना आ गया थ्री बाई टेन ठीक है ऐसे ही बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बी सेक्रीफाइस कर रहा है टू बाई फाइव तो टू बाई फाइव का हम हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा टू बाई टेन ठीक है यानी ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है थ्री बाई टेन और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है टू बाई टेन ठीक है यहाँ तक समझ में आया तो यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो हम क्या करें इन दोनों को डिवाइड करें थ्री बाई टेन इज टू बाई टेन ठीक है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा आ गया थ्री इज टू टू ठीक है तो ए का सेक्रीफाइस पता चल गया बी का सेक्रीफाइस पता चल गया ठीक है क्या रेशियो है थ्री इज टू टू चलिए हमारी पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया अगला क्या है हमें पता करना है सी का शेयर ठीक है अब जितना ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ही तो सी का शेयर होगा तो सी का शेयर क्या होगा थ्री बाई टेन प्लस टू बाई टेन जितना कर तो तो ये रहे हैं, वही मिला करके बनेगा C का तो दोनों को ऐड किया तो कितना आया फाइव बाई टेन इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हाफ ठीक है तो यानी सी का शेयर कितना आ गया हाफ यानी ऑर्गेनाइजेशन का अगर पूरा गुडविल फोर्टी थाउजेंड है तो उस गुडविल में सी का हिस्सा कितना है हाफ ठीक है यानी सी को चालीस हजार का हाफ करिए तो आएगा ट्वेंटी थाउजेंड यानी सी को कितना लेके आना है ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है तो चलिए फिर अब हम हमारा पूरा काम हो गया हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया हमने सी का शेयर निकाल लिया अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं इसमें दो बेसिक जर्नल एंट्री होगी पहली एंट्री किस चीज की होगी जो भी सी कैश में प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लेके आ रहा है उसी की एंट्री होगी ठीक है तो एंट्री क्या बताया था कैश ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है ना तो कैश को हम डेबिट करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ठीक है अमाउंट कितना होगा सी का जितना हिस्सा है वही तो इसमें अमाउंट में जाएगा तो चालीस हजार टोटल गुडविल है जिसमें सी का हिस्सा है बीस हजार तो अमाउंट में लिखेंगे बीस हजार ठीक है अगली एंट्री किस चीज की होगी अगली एंट्री होगी जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है वो फिर डिवाइड होगा पार्टनर्स के बीच में इनसेक्रीफाइसिंग रेशियो ठीक है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट ठीक है अमाउंट कितना होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में कितना पैसा था था ठीक है है नया पार्टनर लेके आया है और इस को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे और इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है थ्री इज टू यानी बीस हजार को थ्री इज टू में जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा बारह हजार और आठ हजार तो आपने 12000 और 8000 में इसको डिवाइड किया ठीक है सिंपल हो गया सिंपल सी दो जर्नल एंट्री है क्वेश्चन सोल्व हो गया ठीक है तो चलिए अब हम अपने अगले केस पर चलते हैं केस थर्ड केस थर्ड क्या है केस थर्ड है कि जब प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेके आता है काइंड के फॉर्म में ठीक है काइंड मतलब एसेट के फॉर्म में लेके आता है ठीक है तो उस केस में जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी तो सबसे पहली जर्नल एंट्री किस चीज की होगी फॉर एसेट ब्रॉट इन न्यू पार्टनर जो भी एसेट नया पार्टनर लेके आता है उसकी एंट्री है ठीक है वहां पे कैश लेके आता है तो कैश को डेबिट करते थे यहाँ पे एसेट लेके आया तो हम एसेट को डेबिट करेंगे क्यों डेबिट किया है क्योंकि एसेट ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है ठीक है तो एंट्री क्या होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू अच्छा अब इस केस में क्या है देखिए जो नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है वो दो चीजें लेके आता है एक तो कैपिटल लेके आता है दूसरा गुडविल लेके आता है है ठीक तो यहां पे कैपिटल को भी शो कर दिया है चाहे तो आप इसकी एक सेपरेट एंट्री कर सकते हैं जैसे जो भी कैपिटल नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में जो भी कैपिटल लेके आता है उसकी एंट्री क्या होती है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ठीक है और जो गुडविल लेके आता है उसकी एंट्री क्या होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ठीक है तो क्या है इन दोनों एंट्री को कंबाइन भी कर सकते हैं तो यहाँ पे कंबाइन कर दिया गया है है ठीक तो एंट्री क्या होगी एसेट एसेट अकाउंट डेबिट क्योंकि लेके आ रहा है कैश नहीं लेके आ रहा है एसेट लेके आ रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो भी कैपिटल लेके आ रहा है तो उसका क्या होगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ठीक है इसमें क्या अमाउंट लिखेंगे जो भी कैपिटल का अमाउंट है ठीक है फिर अगला क्या है टू प्रीमियम फॉर गुडविल और क्या लेके आ रहा है प्रीमियम लेके आ रहा है तो इसको भी हम क्रेडिट करेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल ठीक है इसमें हम गुडविल का अमाउंट डालेंगे तो पहली एंट्री तो वो ये हो गई पहली एंट्री क्या है जो भी एसेट लेके आ रहा है ठीक है दूसरी एंट्री क्या होगी दूसरी एंट्री हम जानते हैं हम नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आया है अब उसको क्या करेंगे हम उसको शेयर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में इन सेक्रीफाइजिंग रेशियो सेक्रीफाइजिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे ठीक है तो उसी की एंट्री है तो एंट्री क्या हो जाएगी वही एंट्री है जो पिछले केस में किया था प्रीमियम फॉर गुडवेल अकाउंट डेबिट टू तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट ठीक है दो पार्टनर है तो ए टू तो ए कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल अकाउंट कर देंगे अगर तीन पार्टनर है तो तीन पार्टनर के बीच में डिवाइड हो जाएगा किस रेशियो में डिवाइड होगा ये इंपॉर्टेंट है सेक्रीफाइजिंग रेशियो में डिवाइड होगा ठीक है तो चलिए अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं आप देखेंगे केस केस सेकंड थर्ड में ज्यादा अंतर नहीं है 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 केवल पे कैश की जगह एसेट आ गया ठीक बाकी और कोई अंतर नहीं है क्वेश्चन इसमें क्या है जो नया पार्टनर है वो प्रीमियम का अमाउंट लाया है काइंड के फॉर्म में एसेट के फॉर्म में ठीक है इस केस में क्या है इस क्वेश्चन में है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो

ठीक है ये कैश में नहीं लेके आया कैपिटल या जो गुडविल है ये कैश में नहीं लेके आया ये काइंड के फॉर्म में लेके आया देखिए जेड कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट टू हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल ये जो जेड है इसने कॉन्ट्रीब्यूट किए कुछ एसेट्स इसके पास थे उसने वो एसेट कॉन्ट्रीब्यूट किए पार्टनरशिप फॉर्म में फॉर हिज कैपिटल वो कैपिटल भी कैश में नहीं लेके आया और गुडविल भी कैश में नहीं लेके आया वो कुछ एसेट लेके आया है ठीक है कौन कौन से एसेट है एक तो स्टॉक लेके आया एटी थाउजेंड के डेटर लेके आया है लैंड लेके आया है मशीनरी लेके आया है ठीक है एंड ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड जिस तारीख को जेड का एडमिशन होता है गुडविल जो फॉर्म की है उसे वैल्यू किया गया और पाया गया की वैल्यू ऑफ गुडविल इज टेन लैक फोर्टी थाउजेंड ठीक है तो इस केस में यू हैव टू डू द जर्नल एंट्री ठीक है शोइंग द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको करनी है जर्नल एंट्री जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल शो हो ठीक है तो फिर चलिए करना शुरू करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सारी डिटेल दी है इसमें तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया गया है बहुत अच्छी बात है ठीक है तो सबसे पहले हमें निकालना है वही चीज सैक्रिफाइजिंग रेशियो ठीक है सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्यों निकालेंगे क्योंकि गुडविल को हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो में ही ओल्ड पार्टनर के बीच में डिवाइड करते हैं ठीक है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस केस में तो निकालना और आसान है क्यों क्योंकि यहाँ पे ओल्ड शेयर दिया है न्यू शेयर दिया है क्वेश्चन में ओल्ड शेयर क्या है ओल्ड शेयर है एक्स और वाई ओल्ड देखिए इसमें कौन कौन से पार्टनर है एक्स वाई फिर एक नया पार्टनर क्या ऐड हुआ है जेड ठीक है तो x और y का रेशियो क्या है x और y का रेशियो है थ्री इज टू टू तो अगर मैं इनके ओल्ड शेयर की बात करूं ठीक है ओल्ड शेयर की बात करूं तो कितना है एक्स का हो गया थ्री बाई फाइव वाई का हो गया टू बाई फाइव ठीक है अब इनके बीच में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना है वो कितना बना है फाइव इज टू फाइव इज टू थ्री ये क्वेश्चन में ही दिया है ठीक है तो यानी अब इसमें एक्स का हिस्सा कितना हो गया फाइव बाई थर्टीन वाई का कितना हिस्सा हो गया फाइव बाई थर्टीन ठीक है और हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मुला जानते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो जिसको ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर भी कहते हैं तो ओल्ड शेयर में से आप न्यू शेयर माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा x के के केस केस में में ऐसे ही में आप ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा वन बाई सिक्सटी फाइव ठीक है यानी x और y का जो सेक्रीफाइजिंग रेशियो है दैट इज फोर्टीन इज टू वन ये हमारा निकल गया ठीक है अब एक और चीज कैलकुलेट करनी होगी ठीक है देखिए ऑर्गेनाइजेशन का पूरा जो गुडविल है दैट इज टेन लाख फोर्टी थाउजेंड ये दिया है ना ऑर्गेनाइजेशन का पूरा गुडविल है थ्री बाई थर्टीन क्यूँ निकालेंगे क्योंकि जो जेड है उसका शेयर क्वेश्चन में दिया गया है थ्री बाई थर्टीन है तो हमने कैलकुलेट किया तो हमारा आ गया टू लाख फोर्टी थाउजेंड तो जेड का कितना हिस्सा है टू लाख फोर्टी थाउजेंड ठीक है गुडविल में तो चलिए अब हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया अब हम जर्नल एंट्री करना शुरू करते हैं बहुत आसान है सबसे पहले एंट्री हमने क्या देखी थी एसेट अकाउंट डेबिट टू तो जेड कैपिटल अकाउंट टू तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ठीक है तो सबसे पहले एसेट को डेबिट करेंगे तो जितने भी एसेट आपको क्वेश्चन में दिए हैं उन सबको डेबिट करिए और उनके अमाउंट यहाँ पर लिखिए ठीक है सबसे पहला स्टॉक एटी थाउजेंड डेट वन ट्वेंटी थाउजेंड लैंड टू लैक एंड प्लांट एंड मशीनरी वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है आप जब इनको जोड़ेंगे देन यू विल गेट फाइव लाख ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है फाइव लाख ट्वेंटी थाउजेंड आएगा ये आपने निकाल लिया ठीक है अब क्या करना है अब इसमें हमें कैपिटल कितना ये पार्टनर को लेके आना है ठीक है कैपिटल कितना लेके आ रहा है ये नहीं बताया गया है ध्यान से सुनिएगा इसमें कैपिटल कितना लेके आ रहा है पार्टनर ये नहीं बताया गया है पर प्रीमियम का अमाउंट हमें पता है जो गुडविल फॉर प्रीमियम है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है टू लैख फोर्टी थाउजेंड है ठीक है तो हम अगली एंट्री क्या करेंगे टू जेड कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ठीक है बट जेड कैपिटल अकाउंट का हमें अमाउंट नहीं पता है ठीक है कहा क्वेश्चन में तो नहीं दिया गया है ना तो चलिए अभी इसको छोड़ते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडवेल अकाउंट ये कितना है ये हमने कैलकुलेट किया है दैट इज टू लाख फोर्टी थाउजेंड ठीक है तो फिर हम क्या करेंगे जितना भी टोटल डेबिट है दैट इज फाइव लाख ट्वेंटी थाउजेंड उसमें से माइनस करेंगे टू फोर्टी थाउजेंड तो आपका आ जाएगा कैपिटल आपका आ जाएगा कि जो नया पार्टनर है उसे कितना कैपिटल लेके आना था तो आपने कैलकुलेट किया तो आपका आ गया टू लाख एटी थाउजेंड ठीक है तो देखिए इस क्वेश्चन में कैपिटल डायरेक्टली नहीं दिया है ठीक है इसमें आपको डेबिट का सम करके उसमें से क्रेडिट का माइनस करेंगे देन यू विल गेट द कैपिटल ठीक है आ, तो ये तो पहली एंट्री हो गई जो भी गुडविल का अमाउंट लेके आ रहा है उसकी एंट्री हो गई दूसरी एंट्री क्या करेंगे जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ठीक है प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में तो एंट्री क्या होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट ठीक है प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है बताइए ऊपर वाली एंट्री में देखा था ना वन लाख फोर्टी थाउजेंड है ठीक है तो वन लाख फोर्टी थाउजेंड को हम डिवाइड करेंगे किस रेशियो में सेक्रीफाइजिंग रेशियो ये यहाँ पे निकाला है ना सेक्रीफाइजिंग रेशियो यानी 14 से 2 वन में डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो 2 लाख 40, 000 को 14 से 2 वन, यानी 14 डिवाइडेड पाइ 15 किया, तो हमारा आ गया 2 लाख 24, 000। ऐसे ही y के लिए क्या करेंगे? 2 लाख 40, 000 को मल्टीप्लाई uh, करेंगे वन से डिवाइड करेंगे 15 से, तो फिर आपका आ गया y का y uh, का सेक्रीफाइसिंग रेशियो में वाई को कितना गुडविल का अमाउंट मिल रहा है ठीक है तो इस तरीके से हमने एक्स और वाई का हमने निकाल लिया कि एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा ठीक है आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे अब आप ऐसा करिएगा कि इस वीडियो को पॉज करके खुद से ईमानदारी से बिना आंसर देखे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा ठीक है वैसे अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिमाइंड करेंगे और दोबारा देखेंगे ठीक है और मैं पूरा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ जाएगा इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है ठीक है आपने इलेवन में इससे डिफिकल्ट डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ लिए हैं ये तो बहुत आसान है पार्टनरशिप अकाउंटिंग पूरा ये जो टॉपिक है ना यही बहुत आसान टॉपिक है ठीक है तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू हैव अ गुड डे